जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। वो कहते हैं ना कि प्यार अगर किसी को कमजोर कर देता है तो वही प्यार ताकत भी बन जाता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ सीरियल सपने सुहाने लड़कपन के रचना और केटी के साथ भी हो रहा है। केटी और रचना एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि आज एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े हैं। इनके बीच है इतनी मोहब्बत, तभी तो रचना केटी को उनकी आहट से ही पहचान लेती है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ केटी अपनी गलती की रचना से माफी मांग रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इनके इस रोमांटिक मोमेंट में भी हमें इनके चेहरों पर कुछ परेशानी दिखी। दरअसल मेरे परिवार में, केटी के परिवार में कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई है, घटित हो गई है, जिसको लेके हम परेशान हैं। लेकिन केटी और रचना जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे कितनी परेशानी क्यों ना हो, वो एक दूसरे को कंसोल करके या एक दूसरे को मिलके सारी परेशानियों को भूल जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ रचना ने वही किया है, जब केटी बहुत परेशान होकर आता है और अपनी परेशानी बताता है तो रचना उसको एक दिलासा देती है, जिससे केटी जो है रिलैक्स हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को दिलासा तो दे रहे हैं, लेकिन इस परेशानी की वजह भी खुद केटी का छोटा भाई है, वो भी रचना से प्यार जो करता है। लेकिन फिर भी उसके लिए ये दोनों ही काफी टेंशन में है, क्योंकि बिट्टू की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। एक्चुअली रचना केटी के बारे में और उसके भाई के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न है, दोनों के बारे में ही कंसर्न है। लेकिन बिट्टू ने जो भी किया वो गलत था, लेकिन वो जानती हैं कि बिट्टू की दिमागी हालत यू नो इज लिटिल मेंटली चैलेंज, सो वो चाहती है कि जो भी हो रहा है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। चलिए, जब तक आप दोनों साथ हैं, हमें यकीन है कि आप हर मुसीबत का सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। आखिर आप दोनों के बीच इतना प्यार और अंडरस्टैंडिंग जो है। शिखा सिंह, E24।